आदाब एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे डिलीशियस बिलोची चिकन कढ़ाई। तो बिलोची चिकन कढ़ाई बनाने से पहले, इसकी रेसिपी बताने से पहले, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ले ली है, अब मैं इसे धोऊंगी। ये मैंने चिकन धो ली है। ये मैंने 1 से 1.5 कटोरी तेल डाल के गरम कर लिया है। कढ़ाई हमारी हो गई है, धीमी आंच रखी हूँ मैं। अब ये मैं चिकन डालूंगी नीचे हाथ करके। ये देखिए मैंने फ्राई चिकन डाल दिए। अब इसे लाल करेंगे चिकन को, अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से ये लाल हो जाए। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया। जब ये लाल होने लगेगी तो फिर मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। ये देखिए चिकन हमारी लाल हो गई है, अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। ये देखिए 1 गिलास पानी डालिए और फिर अच्छे से पकने देंगे। चूल्हे की आंच तेज़ रखेंगे और इसे ढक देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें हमारा सारा पानी जल गया है, खुश्क हो गया है, थोड़ा सा रह गया, ये भी खुश्क हो जाए, ये आप देख सकते हैं। ये अब मैं चिकन की बोटियाँ निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने चिकन की बोटियाँ निकाल ली हैं। अब कढ़ाई में दोबारा तेल डालूँगी। ये कढ़ाई में मैंने 1/2 कटोरी तेल डाल दिया है। अब हम इसमें चॉप करी हुई प्याज डालूंगी। अच्छा, प्याज मैंने 2 दरमियानी साइज़ की ली हैं। ये प्याज है 2 दरमियानी साइज़ की जो मैंने चॉप कर ली है। तेल हमारा हो गया, अब ये प्याज डाल दूँगी मैं। ये प्याज मैंने डाल दी है, प्याज को लाल नहीं करना है। प्याज हमारी हो गई है, अब हम इसमें चिकन जो निकाल के रखी थी ये डालेंगे। अच्छा, इसमें लहसुन ज़्यादा डलेगा और अदरक भी ज़्यादा। मैंने ये आप समझ लें 4-5 कलियाँ बड़ा वाला लहसुन जो होता है वो चॉप करके डाल दी। लहसुन की तार डाल दिया। अदरक भी इसमें ज़्यादा डलेगी, मैं पीस के डाल रही हूँ पेस्ट अदरक का, तो 2 से 3 चम्मच। ये दूसरा चम्मच अदरक का पेस्ट, रिकॉर्ड है 3 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब इन्हें चलाएंगे, मिलाएंगे अच्छे से। ये देखें इस तरह मिलाएंगे फिर अच्छे से। हम ये देखें अच्छे से मिला दिया और चलाते रहना है ताकि अच्छे से मसाला मिल जाए। बलोची खुशबू आ रही है। आज हम बना रहे थे चिकन बलोची कढ़ाई। अब इसमें मैं नमक डालूंगी, मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा जितना आप खाते हैं। हम मसाले डालेंगे, मसालों में मैंने ये साबुत धनिए, सौंफ और ज़ीरा, इसको मैंने कूट लिया है बारीक, तो ये डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच। ये देखिए 2 चम्मच। थोड़ा सा गर्म मसाला डाल, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल रही हूँ। अब किसी कुटी हुई लाल मिर्ची डालूंगी, थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्ची डाली हूँ। आप मिर्ची अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ मैं। अब इसमें 1/2 नींबू निचोड़ेंगे। ये देखिए कितना बड़ा है, आप एक पूरा भी नींबू निचोड़ सकते हैं। मैं 1/2 निचोड़ लूँ, नींबू भी निचोड़ दिया। आप इसे चलाएँगे सारे मसाले को अच्छे से। फिर देखिए आज दरमियानी रख दी है, बढ़िया मसाला मिला लेंगे हम अच्छे से। ये देखें मसाला मिल गया। अब हम इसे चूल्हे की आँच बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें हमारी ज़बरदस्ती बलोची चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखें मैंने गर्मा गर्म प्लेट में निकाल ली है। तो आज हमारी रेसिपी थी बलोची चिकन कढ़ाई। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। सो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और घर पे ज़रूर बनाइएगा। शुक्रिया। ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बलोची चिकन कढ़ाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, रंग भी बहुत अच्छा आया है।